ये आंकड़ा क्या आपके पिताजी जो जेल यात्रा किए वहां से आंकड़ा लाए हैं? अभी बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता के परिवार को राजनीति में किसने सम्मान दिया? तेजस्वी यादव, आपने गुनाह किया है। यह आपके दल के विधायक पर आरोप लगा, हमने कहा आप प्रयास करते रहे अपरोक्ष रूप से बचाने का, लेकिन हमने कहा जेल खाना जाना पड़ेगा। और अपराधी के खिलाफ उसको पाताल में रहेगा खोज के निकालते हैं, कोई बचाने वाला है इस बिहार में? बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर नीतीश सरकार पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार बलात्कारियों की संरक्षक है। हर महीने 500 से अधिक मामले आते हैं, लेकिन सरकार फिर भी मौन है। हम बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज जी, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से आपराधिक घटनाओं को लेकर के बड़ा आरोप लगा दिया आप लोग पे। दुर्भाग्यजनक भाषाई अपमान। और ये आंकड़े कहाँ से लाए? ये आंकड़ा क्या आपके पिताजी जो जेल यात्रा किए वहाँ से आंकड़ा लाए हैं? अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो ने आंकड़े जारी किए हैं। घटना होना और उस पर कार्रवाई होना, यही कानून का राज का अर्थ होता है। लेकिन कौन गुनाहगार है? बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता के परिवार को राजनीति में किसने सम्मान दिया? तेजस्वी यादव, आपने गुनाह किया है यह, और आपको एहसास होगा कि अपराध के प्रति मेरा क्या नज़रिया है। आप गठबंधन के बड़े घटक दल थे, आपके बदौलत हमारी सरकार चल रही थी। आपके दल के विधायक पर आरोप लगा, हमने कहा आप प्रयास करते रहे अपरोक्ष रूप से बचाने का, लेकिन हमने कहा जेल खाना जाना पड़ेगा, तो क्यों सम्मानित किया? इतना राजनीति में घिनौना आरोप किसी पर लग जाए, आप निर्लज्जता की पराकाष्ठा आपने पार कर दी। आप क्या कहना चाहते थे? नवादा के सड़कों पर जो बैनर पोस्टर लगे हुए थे, बलात्कार के सजा याफ्ता का फोटो और आपका फोटो एक जगह लगा हुआ था, लज्जा नहीं लगा रहा था? राजनीति में निर्लज्जता की प्रकाष्ठा पार कर दी। इसलिए अपराध के खिलाफ कार्रवाई मेरा USP है, और आपका USP है अपराधी को महिमा मंडित करने का। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव से कि नवादा में टिकट का खेल क्यों हुआ? एक बलात्कार के सजा याफ्ता के परिजन को आपने टिकट क्यों दिया, और उसके साथ आपका बैनर में फोटो क्यों लगा हुआ था? अगर लगा तो क्या आपकी सहमति थी? अगर सहमति है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजनीति में कुछ भी नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अपराधी घटनाएं होती तो हैं और हमारे विधायक वहां पहुंचते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तो कुछ करते ही नहीं है, वो तो मौन रहते हैं। कहाँ नहीं पहुंचे हैं, कौन जगह पर? वो जो पड़ाका छोड़ रहे हैं राजनीति में ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ गए थे, उनको जानकारी उनकारी नहीं देता है उनका लोग, क्योंकि बेचारे 42 तो कोई मतलब इनको है नहीं। और अपराधी के खिलाफ उसको पाताल में रहेगा खोज के निकालते हैं, कोई बचाने वाला है इस बिहार में? लेकिन इस ढंग का बिना तथ्यों का आंकड़ा जारी कर देते हैं। क्या जब बिहार के अंदर में सामाजिक मौन परिवर्तन हो रहा है, क्या भयभीत करना चाहते हैं बिहार की बेटियों को, बिहार की महिलाओं को आप भयभीत करने की आपकी मंशा है? आपकी मंशा आखिर क्या है? इस ढंग का कोई घटना हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन किसी अनर्गल आरोप लगा कर करके राजनीति में भयाक्रांत करना, वो आतंक राज का दौर था तेजस्वी यादव, उसके आप रोल मॉडल हैं, और हम इस मामले के रोल मॉडल हैं कि जाति धर्म वंश के नाम पर नहीं, अपराध करोगे जेल जाओगे, जेल जाओगे न्यायपालिका तुम पर कार्रवाई करेगी। यही आज यही कारण है ना कि बिहार की बेटी साइकिल से चलते हुए आज सरकारी नौकरियों में, आज हर थाने में बिहार की बेटी नागरिकों की सुरक्षा करते हुए मिल जाती है, तो ये परिवर्तन हुआ है। कृपा करके तेजस्वी यादव ऐसे भाषाई लफ्जों का इस्तेमाल न करें। आपको सवाल पूछना हो, सवाल पूछिए, अधिकार आपका है, हर सवाल का जवाब देंगे, और आपसे भी सवाल पूछेंगे उसका भी जवाब की अपेक्षा हमको रहेगी। बिल्कुल, देखिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे, और तेजस्वी यादव लगातार ये सवाल पूछते हैं कि बिहार में अपराधी घटना होने के बावजूद सरकार मौन रहती है, इसको लेकर के तमाम जवाब नीरज कुमार ने दे दिया है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, धन्यवाद।